राज्य शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के प्रांतीय आवाहन पर राज्य शिक्षक संघ जिला इकाई नरसिंहपुर के जिला संयोजक एवं प्रांतीय उपाध्यक्ष अजीत जाट के नेतृत्व में नवागत जिला शिक्षा अधिकारी अरुण कुमार इंगले का प्रतिनिधि मंडल ने आत्मीय स्वागत कर अध्यापक संघर्ग को 1994 के मूल शिक्षा विभाग का कैडर प्रदाय किए जाने व विभिन्न समस्याओं का यथाशीघ्र निराकरण हेतु मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाम ज्ञापन सौंपा एवं जिला स्तरीय विभिन्न समस्याओं को लेकर भी ज्ञापन प्रेषित किया। विस्तृत चर्चा की गई। जिला शिक्षा अधिकारी ने स्थानीय समस्याओं को यथाशीघ्र निराकृत करने हेतु आश्वस्त किया। तत्पश्चात 21 को नीलम पार्क भोपाल में आयोजित प्रांतीय धरना प्रदर्शन में जिले से अधिक संख्या में अध्यापकों के सम्मिलित होने हेतु रणनीति तैयार की गई। न्यूज 99 के लिए मोहन पटेल की रिपोर्ट। तो करीब है सहायक अध्यापक जिनका सम्मिलन नहीं हुआ, पानी भी है उनकी जलमूलक समस्या है, इनको कोई काम जब सहायक अध्यापक यहीं से खुलना है, उनके परिवार आप इन सबका निराकरण कर दीजिए, हम लोग तो वैसे भी कमाना चाहते, हम तो मिलने नहीं चाहते आप लोगों समस्या नहीं। क्योंकि हमारे नवागत जिला शिक्षा अधिकारी से अनुसोजन भेंट करने हम लोग आए थे, इसके अलावा जो जिले की समस्या आती है उनकी और जो समस्या हमने कहा है कि 15 के अंदर समझाता हूँ। वर्तमान में अध्यापकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर तीन क्रम में ज्ञापन की प्रक्रिया चल रही थी। सर्वप्रथम हम लोगों ने 7 जुलाई को विकासखंड स्त्री ज्ञापन रखा था, 14 जुलाई को जिला स्त्री ज्ञापन रखा था, जिसमें माननीय डीओ साहब की उपस्थिति नहीं होने के कारण आज दिनांक 17 जुलाई को हम लोगों ने उस क्रम में ज्ञापन दिया है। और यदि मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो प्रांतीय आह्वान के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के तत्वाधान में हम लोग यादगारी राजधानी पार्क में एक विशाल आंदोलन कर विधानसभा घेराव की तैयारी भी कर रहे हैं, और शासन यदि हम लोगों की मांगें शीघ्र पूर्ण नहीं करता तो इस आंदोलन को हम प्रधान रूप में करेंगे। सियाराम पटेल, प्रांतीय मीडिया प्रभारी, राज्य शिक्षक संघ।